और बेईमान राजा रहता था। वह राजा किसी भी कीमत पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। दूसरी तरफ राजा रोज आधी रात होने के बाद महल के तहखाने में जाकर काले जादू के मंत्रों का उच्चारण किया करता था। एक दिन राजा अपने काले जादू की विद्या से एक भूतिया आईना प्रकट कर लेता है और उस आईने को ले जाकर जंगल के बीचों बीच रख देता है। फिर देखते ही देखते वह भूतिया आईना एक विशाल रूप धारण कर लेता है। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक शेर अपने परिवार के साथ वहां से गुजरता है। तभी शेर की नजर उस भूतिया आईने पर पड़ती है। अचानक जंगल में इतना बड़ा आईना देख शेर को बड़ा ताज्जुब होता है। फिर वह अपने परिवार के साथ आईने के सामने पहुंचकर उसे निहारने लगता है। तभी अचानक आईने के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और देखते ही देखते शेर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस आईने के अंदर समा जाता है। यह देख पेड़ के पीछे छुपा राजा खुश होकर उछल पड़ता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मेरा भूतिया आईना सच में काम कर रहा है। उसके बाद राजा अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस आईने का आकार दोबारा छोटा कर देता है और उसे उठाकर वापस महल चला जाता है। उसके बाद राजा तहखाने में जाकर भूतिया आईने के अंदर कैद शेर और उसके परिवार को बाहर निकाल लेता है। फिर राजा उन सभी को रस्सियों से बांधकर उनकी आंखें निकालकर उन्हें कांच की एक बड़ी बोतल के अंदर डाल देता है। ऐसा करने के बाद राजा शेर और उसके परिवार को महल के तहखाने के एक बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देता है। अब मुझे किसी भी तरह 100 जानवरों की आंखें जमा करनी होगी, उसके बाद उन आंखों की माला तैयार करके शैतान को अर्पित कर दूंगा। फिर शैतान खुश होकर मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बना देगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा जंगल के बहुत सारे जानवरों की आंखें निकालकर उन्हें अपने तहखाने में कैद कर देता है। बहुत जल्द यह बात जंगल में चारों तरफ फैल जाती है और सभी जानवर दहशत में जीने लगते हैं। फिर एक दिन जंगल में रहने वाला मटरू बंदर सभी जानवरों की सभा बुलाता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे जंगल के बहुत सारे जानवर अचानक गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे महाराज शेर राजा और उनके परिवार का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तभी बगल में खड़ा भालू कहता है। हाँ बंदर भैया, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरे पड़ोस में रहने वाली हिरनी और उसके बच्चे भी अचानक इसी तरह गायब हो गए। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको जल्दी इस रहस्य का पता लगाना होगा, वरना एक एक कर जंगल के सभी जानवर लापता हो जाएंगे। मुझे तो लगता है जंगल में हो रही इस घटना के पीछे जरूर किसी बुरे जादूगर का हाथ है। हम सभी को चौकन्ना रहकर पूरे जंगल की निगरानी करनी होगी, तभी हम उस दुष्ट को पकड़कर सबक सिखा पाएंगे। फिर अगले दिन से मटरू बंदर अपने साथियों के साथ जंगल में पहरा देना शुरू कर देता है। शाम को राजा हमेशा की तरह जंगल में आकर आईने को रखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद एक भालू घूमता हुआ उस आईने के पास आ जाता है। आईने को देख भालू उसके सामने जाकर अपनी सूरत निहारने लगता है। तभी आईना भालू को अपने अंदर खींच लेता है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो इस आईने के अंदर फंस गया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पेड़ के पीछे छिपा राजा वहाँ आ जाता है। खामोश हो जा भालू, मेरी इजाजत के बिना तू इस आईने से बाहर नहीं निकल सकता। अब मैं दूसरे जानवरों की तरह तेरी भी आंखें निकाल कर तुझे तहखाने में कैद कर दूंगा। तभी वहाँ से गुजर रहा मटरू बंदर यह सब देख लेता है। अच्छा तो ये राजा हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है। लगता है ये राजा कोई बहुत बड़ा जादूगर है, मुझे इसका पीछा करके सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। उसके बाद बंदर राजा का पीछा करता हुआ महल में पहुंच जाता है। फिर राजा भूतिया आईने को तहखाने में ले जाकर उस बेचारे भालू की आंखें निकालकर उसे दूसरे जानवरों के साथ पिंजरे के अंदर कैद कर देता है।
हे भगवान, इस बेरहम राजा ने तो मेरे सभी साथियों की आंखें निकाल कर उन्हें कैद कर रखा है। मुझे किसी भी तरह अपने साथियों को बचाना होगा। अपने साथियों को दयनीय हालत में देख बंदर को बहुत दुख होता है और वह फौरन जंगल जाकर सभी जानवरों को राजा के बारे में बता देता है। तभी मोटू हाथी सभी जानवरों को सलाह देते हुए कहता है, सुनो मटरू बंदर, मुझे लगता है हम सबको एक साथ मिलकर राजा के महल पर हमला कर देना चाहिए, तभी हम अपने साथियों को बचा पाएंगे। नहीं नहीं हाथी भाई, ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर है। वह राजा बहुत ही दुष्ट और खतरनाक जादूगर है। हम सीधे तौर पर उसका सामना नहीं कर सकते। उसका मुकाबला करने के लिए हमें कोई और तरकीब लगानी होगी। तभी डाल पर बैठा तोता जानवरों को पहाड़ी पर रहने वाले जादुई विलियम के बारे में बताने लगता है। विलियम के बारे में सुनकर सभी जानवरों के अंदर एक नया हौसला आ जाता है और वे सभी मदद के लिए विलियम के पास पहुंच जाते हैं। सुनो विलियम, जंगल के सभी जानवरों की जान खतरे में है। पड़ोस के राज्य का राजा अपने काले जादू की विद्या के लिए एक एक कर जंगल के सभी जानवरों की आंखें निकाल कर उन्हें तहखाने में कैद कर रहा है। मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अब तुम ही उस बेरहम राजा को सबक सिखा सकते हो। इस तरह वहां मौजूद सभी जानवर विलियम से विनती करते हुए रोने लगते हैं। जानवरों को रोता देख विलियम को उन पर बहुत तरस आता है और वह उन सभी की मदद करने का फैसला करता है। चिंता मत करो, मैं उस बेरहम राजा को सबक सिखाकर तुम्हारे सभी साथियों को आजाद करवाऊंगा। उसके बाद विलियम अपने लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने सात जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। चलो तुम सब तैयार हो जाओ, हमें फौरन पड़ोस के राज्य के महल पर हमला करना है। विलियम की बात सुनते ही उसके सातों भाई अपने हाथों में जादुई तलवार प्रकट करके तैयार हो जाते हैं। फिर विलियम वहां एक बड़ी सी जादुई कालीन प्रकट करके अपने भाइयों के साथ उस पर सवार हो जाता है और हवा में उड़ता हुआ राजा के महल में पहुंच जाता है। अचानक विलियम और उसके भाइयों को देख राजा हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, अचानक एक जैसे दिखने वाले इतने सारे नौजवान यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम विलियम है, मैं तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देने आया हूँ। तूने अपने काले जादू के लिए बहुत सारे मासूम जानवरों पर अत्याचार किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ाई करने आया है, ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर राजा अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ बहुत सारे भूत चुड़ैल प्रकट कर देता है। फिर राजा का इशारा पाते ही सभी भूत चुड़ैल विलियम और उसके भाइयों पर हमला कर देते हैं। लेकिन विलियम के सातों भाई अपनी तलवार से एक एक कर उन सभी भूत चुड़ैलों के हाथ पैर काट कर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया, ये लोग तो बहुत ही शक्तिशाली निकले। लगता है इन लोगों को मारने के लिए अब मुझे अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना कहकर राजा अपनी जादुई छड़ी निकाल के मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी विलियम राजा को पकड़ लेता है और उसके हाथ से जादुई छड़ी छीनकर उसके दो टुकड़े कर देता है। बस बहुत हो गया तमाशा, अब तू नहीं बचेगा। फिर विलियम अपनी तलवार से राजा की गर्दन काट कर उसे जान से मार देता है। उसके बाद विलियम तहखाने में कैद सभी जानवरों को आजाद कर देता है और अपनी जादुई शक्ति से उन सभी की आंखें पूरी तरह ठीक कर देता है। फिर विलियम जानवरों को ले जाकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ देता है। इस तरह विलियम दुष्ट राजा को सबक सिखाकर जंगल के सभी जानवरों को उसके खौफ से मुक्त कर देता है।